अब यहां पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं, मैं यहां पे आपको फिशरीज यानी कि चैप्टर क्या इस किस चैप्टर का एक टॉपिक है तो ये आपको पता ही है, स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसका फिशरीज टॉपिक, उसका बेहतरीन ट्रिक। अगर आप फिशरीज में अगर फिशेज के एग्जांपल को याद करना चाहें तो आपको याद नहीं होगा। ये जो ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं, ये ट्रिक आपको वहां भी काम आएगा। कहां पे ट्रिक काम आएगा? ये ट्रिक आपको काम आएगा यानी एनिमेलिया किंगडम में, जहां पे आप पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजनस फिशेस एंड बोनी फिशेस, वहां भी ये काम आएगा। क्लियर है? तो वहां भी ये काम आएगा, ठीक है, कार्टिलेजनस फिशेस और बोनी फिशेस में। मैं आपको बता दूं, कार्टिलेजनस फिशेस इज जनरली कॉल्ड मैराइन फिशेस एंड बोनी फिशेस इज जनरली कॉल्ड फ्रेश वाटर फिशेस। हालांकि जो फ्रेश जो ये बोनी फिशेज होते हैं वो दोनों जगह होते हैं, बट कार्टिलेजनस फिशेस सिर्फ मैराइन फिशेज को ही कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, छोड़िए वहां पे, अब देखिए फ्रेश वाटर फिशेस उसका एग्जांपल है और कहता है मैराइन फिशेस उसका एग्जांपल, दोनों का एग्जांपल है और दोनों को हम आपको बेहतरीन ट्रिक के द्वारा रटवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए ट्रिक क्या है, फ्रेश वाटर फिशेस का क्या ट्रिक है, पहले उसकी भूमिका बनाते हैं यानी कि पहले उसके लिए ग्राउंड आपको बनाते हैं। देखिए देश में अभी 2014 के बाद, ठीक है, जो हमारे पीएम साहब हैं, पीएम किसी भी पार्टी का हो, पीएम आपके अगर अपोजिट भी पार्टी का हो तो वो देश का पीएम होता है। तो कहते हैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब आए, ठीक है, तो कहता है उसके पहले कौन थे, मनमोहन साहब थे, मनमोहन जी थे, 10 साल वो रहे प्रधानमंत्री, ठीक है, मतलब ऑनेस्ट, मतलब प्राइम मिनिस्टर में वो भी आते हैं, ऑनेस्ट पर्सनैलिटी में आते हैं, मतलब इकोनॉमिक कंसेप्ट में वो वर्ल्ड के टॉप थिंकर हैं, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ, ठीक है। और नरेंद्र मोदी साहब आए, एक्चुअल में नरेंद्र मोदी के जमाने में एक नया कल्चर बन के आया। इनका जो बीजेपी का जो पैतृक संगठन है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके मर्जी से बहुत सारे प्रदेशों में मुख्यमंत्री तय किया गया, ठीक है, जिसमें अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आरएसएस के कार्यकर्ता थे, झारखंड के मुख्यमंत्री आरएसएस के कार्यकर्ता थे पहले, हरियाणा में देख लीजिए मनोहर लाल खट्टर जी आरएसएस के, कोई नहीं जानता था मनोहर लाल खट्टर जी को पहले, कोई नहीं जानता था वो चीफ मिनिस्टर होने वाले, ठीक है, और अचानक से आरएसएस की मर्जी से उनको बनाया गया। तो आरएसएस ने क्या किया, एक ट्रेडिशन को बदला, ठीक है, उसने ये नहीं किया कि जो हाई फाई नेता हो, जो उसी ढंग का नेता हो, उसी को बस चीफ मिनिस्टर रहने दिया जाए, मतलब बनाते दिया जाए जिसका नाम बहुत, उसने आरएसएस ने एक नया कल्चर क्रिएट किया, फ्रेश सीएम देना शुरू कर दिया जिस सीएम को कोई नहीं जानता, तो जो सीएम बहुत ज्यादा नेतागिरी में नहीं रहता था, बहुत ज्यादा मतलब ग्रुपबाजी में नहीं रहता था, उसको देना शुरू किया। तो मैंने उस पर ट्रिक बनाया, देखिए क्या है ट्रिक, ट्रिक है आरएसएस इज क्रिएटर, आरएसएस इज क्रिएटर ऑफ, ठीक है, फ्रेश सीएम यानी एकदम बिल्कुल फ्रेश सीएम देता है, कोई ट्रेडिशनल सीएम नहीं देता है हर राज्य में। तो आरएसएस अभी आप समझ सकते हैं 16-17 मुख्यमंत्री आरएसएस का, ठीक है। तो कहता है आरएसएस इज क्रिएटेड ऑफ फ्रेश सीएम, इसमें देखिए क्या है, आर से रोहू, एस से सिंघी, एस से सिंहारा, सी से कतला, एफ से फ्रेश वाटर, यानी ये सब क्या है, फ्रेश वाटर है, इसके बाद भी दो फ्रेश वाटर है, सी से कलबासो और एम से मांगुर, ये सारे के सारे क्या है, फ्रेश वाटर फिशेस हैं, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर हो गए, इसलिए इसको कोई नंबरिंग नहीं दिए हैं, ठीक है। और मछली कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 तरह के जो फिशेस हैं, ये है फ्रेश वाटर फिशेस। क्लियर है? जिसमें आ गए, फिर से देखिए आरएसएस क्रिएट, आरएसएस इज द क्रिएटर ऑफ, ठीक है, फ्रेश सीएम, तो फ्रेश सीएम से फ्रेश वाटर हो गया, आरएसएस क्रिएटर रोहू सिंघी
सिंघारा, कतला, कलवासु, ठीक है, और उसके बाद मांगुर। ये हो गया क्लियर। अब आइए, कहता है कि ये तो था फ्रेश वाटर, अब क्या है? मैराइन फिशेस। मैराइन फिशेस समुद्र किनारे चलना पड़ेगा। समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं? सी शोर। क्या बोलते हैं? सी शोर। और मुंबई के सी शोर में अगर आप घूमते रहिएगा, वहां पे आपको भेलपुरी खूब मिलेगा। भेलपुरी बड़ा पाव, भेलपुरी बड़ा पाव। तो चलिए भेलपुरी खाते हैं। ये देखिए भेलपुरी, ठीक है, इसका ट्रिक क्या है? भेलपुरी, ठीक है, इसका ट्रिक है, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका ट्रिक भेलपुरी, भेलपुरी, ठीक है, नियर, ठीक है, सी शोर, सी शोर, ठीक है, सी शोर, ठीक है, समुद्र किनारे, समुद्र किनारे जाइएगा, भेलपुरी खाइएगा, समुद्री मछली भी तो देखिएगा। समुद्री मछली का ट्रिक ये है डियर। मैराइन फिशेस का ट्रिक ये है, यानी कि भेलपुरी पे आ जाइए सबसे पहले। भेलपुरी, बॉम्बे डक, बॉम्बे डक, ठीक है, मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर मैराइन फिशेस, बॉम्बे डक। दूसरा हिलसा, ठीक है, तो बी एच ई एल, ई एल से ईल, ई एल, ईल, जिसको एंगुलिना बोलते हैं, ठीक है, तो एंगुला, यानी कि ईल, तो बी एच ई एल, भेल पूरी, पूरी से हो गया पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट फिश का नाम है भेल पूरी। कहां पे खाइएगा? सी सोर, तो सी से सैल्मन और सोर से सैरडीन। कौन था? सैरडीन। क्लियर है? सी से सैरडीन, एस से सैरडीन। तो बताइए भेल पूरी खाओ कहां पे? सी सोर, समुद्र किनारे। और मैराइन फिशेस को देखो, वेल पूरी खाओ समुद्र के किनारे, मैराइन फिशेस को देखो, ये आपको बेहतरीन ट्रिक है। और अब लास्ट में देखिए, अब देखिए ये ट्रिक के बाद एक ये जो ट्रिक है इसमें क्या है, अब देखिए यहां पे क्या है, ये जो है ये कंपोजिट कल्चर, यानी कंपोजिट कल्चर का मतलब होता है एक ही टैंक में, एक ही पॉन्ड में, यानी तीन लेयर में अलग अलग तरह के मछली का प्रोडक्शन करना। तो बॉटम जो है, बॉटम में जो मछली होगी उसको बोलेंगे बॉटम फीडर, जो ऊपर होगी उसको कहेंगे सरफेस फीडर, जो बीच में होगी उसको कहेंगे कॉलम फीडर, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, कतला सरफेस फीडर, लेबियो कॉलम फीडर, सिरहिनस मृदा ये बॉटम फीडर, ये कंपोजिट कल्चर है। जानते हैं एक कंपोजिट कल्चर वाला एक इंस्टीट्यूट भी है, उसका नाम है सीएलसी, जहां पे हर तरह के क्लास के बच्चे हैं, एक ही कैंपस में है, वो हॉस्टल बनाए हुए हैं, उनका अपना एक लेयर है अलग अलग, ठीक है, प्री फाउंडेशन अलग, ये अलग, वो अलग, और सबका हॉस्टल है। तो वो जो पूरा का पूरा जो कल्चर है उसी से सीएलसी, सीएलसी, कतला यानी सबसे ऊपर है तो सरफेस फीडर हो गया, ठीक है, लेबियो बीच वाला लेयर है, ठीक है, और सिरहिनस ये बॉटम, यानी कि जैसे जैसे सीएलसी सबसे नीचे है सिरहिनस मांगुर, ठीक है, क्या बोलेंगे बॉटम फीडर, ये कॉलम फीडर और ये कतला, ठीक है। तो ये है आपका कंपोजिट कल्चर, दिस इज ऑल अबाउट योर, ठीक है, फिशरीज, ऑल अबाउट योर फिशरीज। आपको सेरीकल्चर पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सेरीकल्चर का भी एक छोटा सा वीडियो आपको मैं दूं, ठीक है, जिससे कि अगर सेरीकल्चर पे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सके। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी चैप्टर का अगला वीडियो आपको आज ही मिलेगा।